मड एंड मिरर वर्क एक बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है हमारा इंडिया का। तो आज हम इस कलश के ऊपर मड एंड मिरर वर्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कलश को वाइट एनामल पेंट से पेंट कर लिया है। मैंने सिंगल कोट अप्लाई किया है क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट होने के बाद सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिरर लिया है। मिरर एक्चुअली मेरे पास बहुत कम ही था तो मैं सिर्फ मिडिल में मिरर का यूज़ करूँगी। उसके बाद जो भी डिज़ाइन मैं बनाऊँगी वो कम्प्लीटली मड से बनाऊँगी। मैं यहाँ पे फेविकॉल के मदद से इन सब मिरर को मिडिल में अटैच कर रही हूँ। आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी आपके मनपसंद ग्लू से आप इन सब मिरर को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एमसील, क्योंकि हम कर्व सरफेस में कर रहे हैं तो एमसील बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इसके अंदर देखिए इस तरह का दो पैकेट आता है, तो इन दोनों को एक साथ मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है एंड देन हम थोड़ा थोड़ा करके एमसील का पोर्शन लेंगे और उससे देखिए इस टाइप का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो पहले मैं जो जितना भी मिरर है उन सबको इस तरह से मैं कवर करूंगी। फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए इनिशियली मैं यूज़ करूँगी परमानेंट मार्कर। तो मैंने इस तरह से मार्कर के मदद से डिज़ाइन बना लिया है और एमसील से कवर करूँगी। मड एंड मिरर वर्क कुछ गुजरात के आर्ट फॉर्म है जो कि बहुत सालों से लोग वहाँ पे अपने घर को ठंडा रखने के लिए इंटीरियर पार्ट में इस डिज़ाइन को बनाते थे विद द हेल्प ऑफ मड एंड कैमल डंग। बट इसका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है, सिंपल डिज़ाइन है, ये अभी वर्ल्ड वाइज फेमस है। वर्ल्ड के सारे लोग इस पैटर्न को, डिज़ाइन को बहुत ही अब पसंद कर रहे हैं, इसलिए ये जो मड एंड मिरर वर्क है ये अभी काफ़ी पॉपुलर है। तो कहा जाता है वहाँ के जो लेडीज़ है वो मेनली अपने घर को ठंडा रखने के लिए इंटीरियर पार्ट में इस डिज़ाइन को बनाते थे। गुजरात के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इस आर्ट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन आप देख पाएंगे। अगर आप गूगल करेंगे तो आप बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन देख पाएंगे जो कि वहाँ के लेडीज़ बहुत आसानी से बना लेते थे। और बहुत ही हैरानी की बात है कि वहाँ का जो महिलाएं हुआ करते थे वो लोग अपने मन मुताबिक डिज़ाइन बनाते थे, कोई भी डिज़ाइन ट्रेस नहीं करते थे या फिर कोई भी डिज़ाइन वॉल के ऊपर पहले ड्रॉ नहीं करते थे, डायरेक्टली मड के हेल्प से वो लोग डिज़ाइन बनाते थे। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़, लेकिन वहाँ के सब महिलाएं कितना आसानी से बना लेते थे। इस तरीके का बहुत सारा इंडियन आर्ट फॉर्म है जो कि पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट का या फिर उस लोकेशन का जो भी महिलाएं हुआ करते थे वो अपने घर में बनाते थे बहुत ही सुंदर अपने घर को दिखाने के लिए। और इन सब डिज़ाइन को मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर बनाऊंगी, सिखाऊंगी। और इसके पहले भी मैंने मधुबनी पेंटिंग से एक प्लांटर बनाया था तो उसको भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार का एक बहुत ही पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जो कि वहाँ का महिलाएं अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए घर के बाहर, घर के अंदर बनाती थी। तो इसी तरह से आज का जो मॉडर्न मिरर वर्क है इसको लिपिन आर्ट भी बोला जाता है। तो लिपिन आर्ट भी
कुछ कुछ राज्य के लोगों अपने घर में बनाते थे घर को और भी सुंदर दिखाने के लिए। तो आप भी इस आर्ट फॉर्म को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर को और भी सुंदर बनाइए अपने हाथों से। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप पूछ लीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारा वर्क कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है और ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे कम्प्लीटली वाइट लुक देना चाहती हूँ तो इसलिए मैं सेकेंड कोट अप्लाई करूँगी। एनामेल पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये बर्जर का हाई ग्लॉस एनामेल पेंट है, ये सिंथेटिक एनामेल पेंट है, इससे बहुत ही अच्छा एक ग्लॉसी लुक मिलेगा। और अगर कलर आपका मिरर में थोड़ा सा लग जाता है तो आप तभी पोंछ लीजिए, या फिर अगर बाद में आप इसको इरेज करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए केरोसिन ऑयल और मिट्टी का ऑयल जिसे हम बोलते हैं उसको यूज़ कीजिए, आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। माइन्यूट वर्क के लिए आप यूज़ करिए थिन ब्रश जिसकी मदद से आपका जो भी वर्क है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने डाइनिंग कैबिनेट में इस आर्ट वर्क को सजाया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं और एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।